ओके, गुड इवनिंग। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। आज का क्लास में हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। वी वेर डूइंग शेयर कैपिटल चैप्टर 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में वी हैव सीन दैट वी हैव डन टू क्लासेस सो फार, एंड इन द टू क्लासेस व्हाट वी हैव डन, लेट मी रीकैप फर्स्ट विथ यू, एंड देन टुडे विल बी द आखिरी या लास्ट क्लास फॉर शेयर कैपिटल, वेर वी विल फिनिश ऑल द यू नो रिमेनिंग सेक्शंस विच आर देयर इन दिस चैप्टर, चैप्टर 4। इफ यू रिकॉल ऑन द फर्स्ट टू क्लासेस, ऑन द फर्स्ट टू क्लासेस व्हाट वी हैड डन, क्लास 1 एंड क्लास 2, मैं एक बार क्विक रिकैप करा रहा हूँ। क्लास 1 में आई हैड स्टार्टेड विद सेक्शन 43 विच इज टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, Section 45 and 6, which was share certificate and transfer of share certificate and duplicate share certificate. Section 47, restrictions on, voting rights, variation in rights of shareholders. 49, 50, 51, calls in arrear, calls in advance and everything. 52 was securities premium and uses of 5 uses of securities premium. Section 53 was prohibition on issue of shares at a discount. Issue of shares at a discount. Shares cannot be issued at a discount. Section 54 was sweat equity shares. Section 55 was redemption of preference shares. Section 56 was share transfer. Transfer and transmission of shares and debentures and securities. Then Section 57 was what? Penalty. Section 58 was what? Refusal to register transfer of securities. ये करने के बाद हम लोग 63 कर लिए, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, याद आया, सेक्शन 63 कर लिए। तो आज का क्लास में सेक्शन 60 तक हम लोग किए थे, सेक्शन 61। इन टुडेज क्लास वी विल स्ट्रेट अवे डू सेक्शन 61 से लेके सेक्शन 61 से लेके सेक्शन 71। 72 भी सिलेबस में है, बट लास्ट बार दे हैड नोटिफाइड इट एज अ सेक्शन विच इज नॉट टू बी स्टडीड। ओके, तो सेक्शन 71 तक तो करेंगे, 72 लास्ट में दिखाऊंगा। ओके, सो 63 हो चुका है, एक्सेप्ट 63 विच हैज बीन डन, विच इज इशू ऑफ बोनस शेयर, सेम एज अकाउंट्स जो पढ़ते हो। ओके सर, इसमें अकाउंट्स का टॉपिक क्या क्या है आज वाले में? हाँ है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सॉरी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व CRR जो बनाते हो उसका एक जिक्र है सेक्शन 69 में। सेक्शन 68 टॉक्स अबाउट बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो वी हैव मेनी टॉपिक्स टुडे विच विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ अकाउंट्स, एंड ऑल्सो डिबेंचर्स, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इज सेक्शन 71। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग टुडेज क्लास विथ सेक्शन 61। सेक्शन 61 लेके हम लोग आज का क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ओके, ये जो टॉपिक है ना, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ऑल्टर मतलब इंक्रीज और डिक्रीज बोथ, यानी कि इफ यू इंक्रीज योर शेयर कैपिटल दैट इज ऑल्सो ऑल्ट्रेशन, इफ यू डिक्रीज योर शेयर कैपिटल दैट इज ऑल्सो ऑल्ट्रेशन। नाउ शेयर कैपिटल इज अ बिग टर्म, कौन सा शेयर कैपिटल का बात हो रहा है? जैसे सेक्शन 60 में टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल के लेके बात हुआ, पेड अप, ऑथराइज, नॉमिनल, कॉल्ड अप,
विच टाइप ऑफ शेयर कैपिटल को बढ़ाना या घटाना वो अभी देखेंगे सेक्शन 61 में. ओके, नाउ आई एम क्विकली स्टार्टिंग विद द सेक्शन इटसेल्फ एंड द बुक एंड द बुक. अच्छा, बुक मतलब मेरा स्लाइड, आई एम सॉरी, बट दैट रिमाइंड्स मी इन योर बैच एंड गोइंग फॉरवर्ड माई प्लान इज टू डू फ्रॉम द इंस्टीट्यूट मटीरियल हूबहू. That is how exactly how now marks are being awarded. I have seen a trend in the last 3-4 terms, in a trend in the question paper setting, and a trend in the suggested answer setting, and a trend in the improvement in the law book of the material. Tino ko mila ke mere ko lagta hai May 2020 onwards CA Institute is thrusting fully on its own material, and students shall totally prepare from their own material. That is CA Institute's home material. So I will prescribe 2020 onwards jo bhi preparation kar rahe ho abhi institute ka material ko follow karo, class kisi se bhi karo, institute ka material follow karo, and class mein handouts ke badle main jo ppt de raha hu, ppt will be your handouts, and class notes dictations are your handouts. So your preparation should be institute's material plus the handouts which I am giving in the form of ppt and the dictations which I am giving in the form of notes. This is going to be my strategy going forward in future batches also. From now 20 also, I will be giving one book which will be compilation of these PPTs. Okay, a little bit of modified here and there with amendments and updations, but mostly this is the thing. So I am sharing this with you. You already have the institute's material on online ici.org, and if you have the hard copy then to fine. Okay, so this is the plan. Okay, so I need not talk about books once again. Okay, so sir, what about this thing, the notes? Yeah, I'm going to the notes today. We will directly come to section 61 in the slide which I have shared with you guys. Section 61 is a little later. Alteration of share capital, section 61. Okay, अब देखो क्या बोल रहे हैं. पहला चीज यहां पे 5 बुलेट्स है, एक बार स्लाइड को देखो तो समझ जाओगे. 5 बुलेट्स है, 5 ब्लू बुलेट्स आर देयर, यू ऑल कैन सी. सो इन द 5 बुलेट्स क्या हो रहा है मैं थोड़ा बताऊं. 5 तरह से ऑल्टर कर सकते हो शेयर कैपिटल कहा गया है. अब कंपनी, a limited company, be it a private or a public, can alter its share capital if so authorized by the articles, that is authorization by article, which was a common funda throughout the chapter. Alter its memorandum and its general meeting. Achha, memorandum ko alter karega. Of course, share capital ko haath lagane ke liye memorandum ko alter karna hi padega, because share capital is a clause in memorandum. Okay. And it can do so in one or more of these 5 ways. Any of these 5 ways will constitute an alteration of share capital, and as per section 61 the company will have to alter its memorandum. Clear hai? To kya number 1 bola hai? Increase its authorized share capital by such amount as it thinks expedient. Acha bolo, aaj agar company ka authorized share capital hai 10 crore but usko chahiye 15 crore, to wo 10 se 15 karne ke liye usko share capital clause in the memorandum ko increase karna padega na. Haan hai na? So that is number 1. मैं बोला increase decrease दोनों alteration होता है, तो number 1 is increase only. So alteration में number 1 में क्या जाएगा, increase in authorized share capital. It is a form of alteration of share capital. Increase in authorized share capital. Authorized share capital का और एक नाम क्या है, nominal share capital. हाँ है ना? Is it clear? Okay. Number 2. ये तो number 1 था. Number 2. Number 2 क्या है सर? अच्छा बोलो, मैं तुम लोग को कहाँ हूँ? I have told you guys what is a stock. Many people don't have an idea what is a stock. Stock and shares का difference क्या है? ठीक है, मैं बोला था एक जमाने में जब dematerialized form में shares नहीं रहते थे, जब फिजिकल फॉर्म में रहते थे, तब 10 लाख शेयर्स किसी का नाम से किसी का नाम पे ट्रांसफर करने के लिए बहुत बड़ा, मतलब एक रूम फुल ऑफ शेयर्स, 10 लाख शेयर्स तुमको फिजिकली रखना पड़ेगा. दैट्स नॉट पॉसिबल ना. सो
बिगर नंबर ऑफ शेयर्स अगर किसी का नाम पे करना चाहता है या कोई खरीदना चाहता है तो ही विल कन्वर्ट और प्रेफर कन्वर्ट एंड कंसोलिडेट नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अ सिंगल स्टॉक. सो दैट वाज द यूटिलिटी ऑफ स्टॉक विच बिकेम रिडंडेंट विद टाइम एज थिंग्स बिकेम इलेक्ट्रॉनिक. ठीक है ना. तो कंसोलिडेट एंड डिवाइड ऑल और एनी ऑफ इट्स शेयर कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ लार्जर अमाउंट into shares of larger amount than its existing shares. Sir, ये वाला point stock वाला नहीं था, number 3 stock वाला था. Number 3 पढ़ो, convert all or any of fully paid up shares into stock and reconvert that stock into fully paid up shares of any denomination. So conversion from stock to shares and share to stock is also a form of alteration of share capital. Clear है? तो नंबर 2 में मैं लिख रहा हूं, नंबर 3 जो स्लाइड में है सेम ही चीज है. कन्वर्शन मैं शॉर्ट में ये लिख सकता हूं, शेयर्स से स्टॉक. एंड देखो सेम एरो को मैं घुमा दे रहा हूं, स्टॉक से शेयर्स. यस और नो? ऑफ कोर्स फुल्ली पेड अप होना पड़ेगा. क्लियर है? Is it absolutely clear? Number one is increase in authorized share capital of the company. Number two is conversion of shares to stock or vice versa. Is it clear? Okay. Number three, तो हम लोग पढ़ लिए number two में slide में, convert fully paid up shares into क्या? Into shares of larger amount. Consolidate and divide all. Or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares. इसका मतलब क्या है मैं बता रहा हूं. दस रुपया का एक लाख शेयर्स है तो टोटल शेयर कैपिटल कितना हो गया? 10 लाख. तो 10 लाख को पहले कंसोलिडेट किए, फिर 100 से डिवाइड किए. हाँ है ना. तो 100 से डिवाइड करने से 10,000 शेयर्स ऑफ 100 रुपया हो गया. सो वी हैव कंसोलिडेटेड एंड डिवाइडेड द फुल्ली पेड अप शेयर्स, सॉरी कंसोलिडेटेड एंड डिवाइडेड द शेयर कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ अ लार्जर अमाउंट. ओके, इज इट क्लियर? ओके, तो कैन आई से कंसोलिडेट एंड डिवाइड एग्जिस्टिंग शेयर्स टू इनटू शेयर्स ऑफ लार्जर डिनोमिनेशन. Is it clear? समझ में आ रहा है? Is it clear? Okay. Now, let us talk about fourth point. Okay. Fourth point कुछ ऐसा है. Fourth point बोल रहे कि fourth point is saying subdivide. ये उल्टा है number 2 का. Subdivide its shares or any of them into shares of smaller amount than fixed by the memorandum. यानी कि 10 रुपया का एक शेयर है, उसको 2 5 रुपया का शेयर या 10 1 रुपया का फेस वैल्यू का शेयर में कर दो. That in subdivision the proportion between amount paid and amount if any unpaid on each reduced share shall be same as it was in the case of share from which the reduced share is derived. अगर unpaid भी है तो फिर यह unpaid amount 10 रुपया में अगर 2 रुपया unpaid है तो 5 रुपया में कितना unpaid है वही. हाँ, समझ में आ रहा है? So that should be the same. Are you getting me? The language is clear. So can I say in short subdivision that is just the opposite of number 3. हाँ है ना. लास्टली क्या बोल रहे हैं देखो, लास्ट पॉइंट बहुत ही यूनिक है, बहुत लोग को समझ में नहीं आता है, पढ़ के आगे बढ़ जाता है. नंबर फाइव इज नॉट कैपिटल रिडक्शन बिकॉज दे आर स्टेटिंग दैट इट इज नॉट बी डीम्ड
इट शैल नॉट बी डीम्ड एज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. लास्ट लाइन. ओके नंबर 5 बोल रहे हैं कैंसिल शेयर्स विच एट अ डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन इन दैट बिहाफ हैव नॉट बीन टेकन और अग्रीड टू बी टेकन बाई एनी पर्सन एंड डिमिनिश द अमाउंट ऑफ इट्स शेयर कैपिटल बाई द अमाउंट ऑफ शेयर सो कैंसल्ड. इसका मतलब सिंपल है, अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल को रिड्यूस करो, कैंसिल करो. यानी कि सर ये बोलने का कोशिश ये कर रहे, जस्ट अ मोमेंट, दिस इज ट्राइंग टू हिंट एट This is trying to hint at what? I'm telling you what it's trying to hint at. It's trying to hint at this. Cancellation of unsubscribed share capital, main short mein bol diya. Kuch aisa hai. Let's say authorized share capital of a company. Authorized share capital of a company is 10 crores. Okay, just see the example. Issued, the company issued 8 crores shares. People subscribed. Achha, issued is wrong word. The company offered. Issue to baad mein karega. Allotment ke baad. Theek hai? The company offered to public. Invitation to offer jo public ko diya. Wo hai for 8 crores shares. पब्लिक अप्लाइड फॉर एंड सब्सक्राइब्ड फॉर एप्लीकेशन और सब्सक्रिप्शन तो अप्लाइड फॉर यू नो 7 क्रोर शेयर्स 7.2 विच इज 90% एग्जैक्टली मिनिमम. ठीक है एप्लीकेशन तो 7.2 क्रोर्स अप्लाई किया मतलब 0.8 क्रोर्स अनसब्सक्राइब्ड है ना, हाँ है ना 10%, हाँ है ना. अगर कंपनी चाहे तो इसको कैंसिल कर सकता है, इसको कैंसिल कर सकता है, हाँ है ना. इसको अगर कैंसिल करे तो ये क्या शेयर कैपिटल या कैपिटल रिडक्शन है? नहीं. कैपिटल रिडक्शन इज दैट व्हाट इज इशूड कैपिटल, व्हाट इज ऑलरेडी इशूड एंड देन कैंसिल. सच रिडक्शन इन शेयर कैपिटल इज कैपिटल रिडक्शन एज पर सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो आज पढ़ेंगे. बट ये सेक्शन 61 बोल रहा है कि अनसब्सक्राइब जो शेयर कैपिटल है उसको अगर हम लोग कैंसिल करते हैं तो उसमें कोई इशू ही नहीं है, तो इशूड है ही नहीं, कंपनी का लाइबिलिटी रिडक्शन थोड़ी ना हो रहा है. दिस इज नॉट अ लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, दिस इज नॉट इवन इन द बुक्स. यस और नो? सो दैट इज पॉइंट नंबर 5. Cancel shares. Once again, let us read. Cancel shares which at a date of passing of the resolution in that behalf have not been taken or agreed to be taken by any person. So not been taken and agreed to be taken. मतलब कोई call scenario का बात भी नहीं बोल रहा है. Agreed to be taken होता तो call scenario होता. And diminish the amount of its share capital. By the amount of the shares so cancelled. मतलब अभी authorized share capital हो जाएगा 9.2. Can you tell me? Authorized share capital will be 9.2. Yes or no? 9.2. So this is known as not capital reduction, but the term, the legal term given to this is diminution of capital. Diminution of share capital. This phenomena where your issued capital is not reduced but your overall authorized share capital is reduced by way of cancelling unsubscribed share capital is known as diminution of share capital. Clear hai? Is it clear? Write down. Okay. All right. So the five things which are considered to be alteration of share capital as per section 61 are number one tha increase in authorized share capital. Uska theek ulta hai, decrease in authorized share capital, which is diminution in a way.
एंड कंसोलिडेशन एंड सब डिविजन एंड बीच में कन्वर्शन ऑफ स्टॉक्स टू शेयर्स, शेयर्स टू स्टॉक. इट्स वेरी इजी. सो ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल ना देख के एक बार लिखो. नंबर वन, नंबर वन क्या है? नंबर वन है इंक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल. नंबर टू क्या है? कन्वर्शन ऑफ शेयर्स टू स्टॉक, स्टॉक टू शेयर. नंबर थ्री क्या है? कंसोलिडेशन ऑफ यू नो एग्जिस्टिंग शेयर्स इन टू शेयर्स ऑफ लार्जर डिनोमिनेशन. नंबर फोर है उल्टा सब डिविजन ऑफ शेयर्स इन टू स्मॉलर डिनोमिनेशन. एंड लास्टली डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल. इज इट क्लियर? एकदम पूरा पूरा क्लियर? ओके सर, अभी बताइए सेक्शन 61 में क्या लिखा है. सेक्शन 61 में अभी एक कनेक्शन है सेक्शन 64 के साथ. सेक्शन 61 में सेक्शन 64 के साथ अभी एक कनेक्ट बैठेगा. सेक्शन 64 जब पढ़ाऊंगा तब बोलूंगा सेक्शन 61 में बोला था. अच्छा बोलो, ये जितना भी काम करोगे ये क्या तुम छुपके करोगे, छुपके से, या फिर तुम जब करोगे तुम रजिस्ट्रार को बताओगे? रजिस्ट्रार को जरूर बताओगे. और वही हो रहा है, रजिस्ट्रार को हम लोग बता रहे हैं. रजिस्ट्रार को क्या बता रहे हैं? रजिस्ट्रार को जब भी हम लोग खबर देते हैं 30 दिन फ्रॉम द हैपनिंग बताते हैं, तो विद इन 30 डेज ऑफ द शेयर बीइंग कंसोलिडेटेड, कन्वर्टेड, सब डिवाइडेड, रिडीम्ड और कैंसल्ड और स्टॉक हैविंग बीइंग रीकन्वर्टेड, नोटिस शुड बी गिवन टू द रजिस्ट्रार. नोटिस शुड बी गिवन टू द रजिस्ट्रार. एंड दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ नॉट 61 बट सेक्शन 64. Is it clear? Is it absolutely clear? तो section 61 जो आज का पहला section है बड़ा वाला, समझ में आया पूरा? यहाँ पे एक concept है जो आधा लोग को पता नहीं रहता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, diminution of share capital. वो बहुत ही interesting concept है. That is not equal to capital reduction. वो section में भी बोल दिया अलग से, जाके confusion ना हो. ठीक है, ये issued capital है ही नहीं इसीलिए. और ये सेक्शन के साथ सेक्शन 64 का क्या ताल्लुकात है? सेक्शन 64 बोलता है, सेक्शन 61, 62 और भी कोई कोई सेक्शन है, ठीक है, 55, ये सारा सेक्शंस के तहत जब भी शेयर कैपिटल हम लोग रिड्यूस करेंगे या कैंसिल करेंगे या रिडीम करेंगे, तब हम लोग को रजिस्ट्रार को 30 डेज के अंदर खबर देना पड़ेगा, ROC within 30 days. Clear है? Notice to ROC. Is it clear? Absolutely. तो दोनों section हो गया effectively, 64 भी हो गया, 61 भी हो गया. 63 पहले class में ही हो गया था, याद है कि नहीं? Issue of bonus shares. Now we will be on to section 62. Is it clear? Okay. All right. Let us go one by one. Okay. Let us go one by one. हम लोग नेक्स्ट सेक्शन जो देखेंगे इसमें चार चीज हम लोग पढ़ेंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूं. उसके पहले सेक्शन 64 मैं पढ़ाना भूल गया. सेक्शन 64 एक बार देख लो मैं जो बोला. वेयर अ कंपनी ऑल्टर्स इट्स शेयर कैपिटल इन एनी मैनर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 61 एंड कंपनी कैन ऑल्टर इट्स शेयर कैपिटल इन 5 मैनर्स, राइट? ओके. एन ऑर्डर मेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट और नंबर टू में क्या बोला? सेक्शन 62, ऑर्डर मेड बाई गवर्नमेंट अंडर 62(4) रेड विद 62(6) has the effect of increasing authorized capital of a company. पढ़ेंगे, a company redeems any redeemable preference shares. मैं बोला ना 55. The company shall file a notice in prescribed form with registrar within a period of 30 days of such alteration or increase or redemption as the case may be, along with altered memorandum. Why altered memorandum? Because share capital clause is there in the memorandum. When your share capital is altered, automatically your memorandum has to be altered too. Clear है? Is it clear? Crystal clear? Okay. That concludes, that takes care of section 61 with section 64. Notice to be, section 61 ka heading tha alteration of share capital. Section 64 ka jo heading hai, wo gaur kijiye, notice to be given to the registrar for alteration of share capital. Is it clear? Okay. Okay. Let us come to section 62 now. Once again, before starting with section 62, section 61 जो लोग लेट आए बाद में देख लेना, अच्छे से देखना. नंबर टू मेरे को जो बोलना है वो ये बोलना है कि बुक्स के बारे में मैं बोल दिया, मैं बहुत रिसर्च कर चुका हूँ ऑलरेडी. लास्ट तीन टर्म्स इज वेरी रेलेवेंट फॉर न्यू सिलेबस, बिकॉज चार टर्म से ही न्यू सिलेबस चल रहा है दो साल से.
ठीक है, तो ये न्यू सिलेबस के बाद जो भी बुक्स अपग्रेड हुआ है एसी इंस्टीट्यूट का मटेरियल, लास्ट क्लास में हम लोग एक चैप्टर देखे थे ना, ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लास्ट पोर्शन दैट इज एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स, द बुक्स आर मेड अप टू डेट एंड द बुक्स आर मेड बेस्ट इन इंडस्ट्री गारंटीड. सो नेवर नेवर यू नो अंडर एस्टिमेट सी इंस्टीट्यूट बिकॉज एग्जाम उन लोग का ही है, एग्जाम तो उन लोग का ही है, उन लोग का ही डिग्री है, कौन क्या बोल रहे हैं झूठ मूठ का कि उन लोग से बेहतर है, नहीं, दे आर द फर्स्ट यू नो एंड लास्ट वर्ड इन दिस करिकुलम. सो द आइडिया इज बोर्ड ऑफ स्टडीज का कभी कभार मटेरियल खराब होता है, ये भी है, बट इस बार का लॉ मटेरियल इज वेरी अप टू डेट एंड वेरी अप टू द मार्क एंड वेरी इजीली मेड. CA फाउंडेशन हो, CA इंटर हो, इन दोनों का बात कर लो, स्पेशली लॉ का मटेरियल का बात कर लो और कोई सब्जेक्ट का नहीं. सो लॉ यू हैव टू डू मे 2020 ऑनवर्ड्स फ्रॉम द CA इंस्टीट्यूट्स मटेरियल एंड यू हैव टू डू RTPs एंड यू हैव टू डू वट एवर आर अवेलेबल अलॉन्ग साइड फ्रॉम माई साइड और फ्रॉम एनी अदर टीचर्स साइड यू नीड टू डू देयर हैंड आउट्स एंड देयर कॉपीज. तो मेरा कॉपी तो है ही और मेरा हैंड आउट्स अलग से नहीं है. This only I will make into a book in the next term, the PPTs, which I have already given. Okay? So the PPT and the copy is the ultimate, and for guidance and for in-depth reading of the sections, the book is the ultimate. CA Institute ka material. CA Institute ka material of other law and the company's law. But of course, bahut log ke paas pehle edition ka ho sakta hai hard copy. To wo log naya edition le sakta hai, ya phir soft copy mein to milega hi. जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ कभी कभार, आज भी दिखाऊंगा. क्लियर है? सो दिस इज वंस अगेन आई वॉन्टेड टू हाईलाइट. ओके, नाउ सेक्शन 62 लेट अस स्टार्ट सेक्शन 62. 3 पहले ही हो गया था लास्ट क्लास में. सेक्शन 62 सेक्शन 62 में तीन चार चीज आप लोग सीखोगे. तीन चार चीज क्या क्या सर? फर्दर, अच्छा नाम इसका क्या है सर? फर्दर, अच्छा देखो नाम एक बार देख लो. फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल और डैश देके लिखा हुआ है राइट्स इशू एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और भी है, मैं बता रहा हूं. सो फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल में क्या क्या सिखाएंगे सर, वो तो बताइए, पूरा बताऊंगा, डोंट वरी. अच्छा देखो मैं क्या क्या लिख रहा हूं, मैं चार चीज लिख रहा हूँ ब्रॉडली, मैं चार तरीके से इसको डिवाइड कर सकता हूँ. क्या क्या सर बताइए? नंबर वन है राइट इशू, जिसको प्रेफरेंशियल इशू भी बोल सकते हो एक तरह से. नंबर टू इज ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. स्वेट इक्विटी एंड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में फर्क है. नंबर थ्री इज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो बोल रहे हो. And number four is conversion of loans or debentures into shares. Convertible debentures सुने हो ना? Convertible debentures या फिर loan को कभी कभी रिपेयर नहीं कर पा रहे तो कंपनी उसके बदले क्या देता है? शेयर्स. वो भी तो एक फर्दर इशू ऑफ शेयर्स ही हुआ है ना, वही बोला जा रहा है. तो और क्या क्या तरीके से इशू ऑफ शेयर हो सकता है, वही है सेक्शन 62 प्रेस्क्राइब करता है. अच्छा इसमें से सबसे इजी वाला चीज जो है यही है, क्योंकि अकाउंट्स में ये देख लेते हो, ये भी देखते हो थोड़ा बहुत, ठीक है. राइट इशू. अच्छा कैन आई से, एक बार मैं पूछ रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट करके तुम लोग से परमिशन मांग रहा हूं. राइट इशू मतलब एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करना राइट्स, यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अगर आप लोग हैं, आप लोग को कंपनी बोल रहे कि आप लोग शेयर होल्डर हो, आप लोग को मैं राइट्स दे रहा हूं, तो आप लोग बोलोगे ये राइट्स का क्या करें मैं, क्या करूं मैं? तो आप लोग को बोला जाएगा कि बाजार में अभी शेयर प्राइस चल रहा है 100 रुपया, आप लोग के पास अधिकार है ये 40 रुपया में मिलने का. कंसेशन रेट में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फर्दर शेयर्स इशू किया जा रहा है, तो इसमें 60 रुपया का जो बचत हो रहा है वो तो आपका मुनाफा है,
40 में खरीद के आप 100 में बेचो बाजार में, है ना, तो दैट्स लाइक अ बोनस एलिमेंट. तो किसी के पास पैसा रहेगा वो तो खरीदेगा ही, ठीक है. तो राइट इश्यू इज दैट, हमेशा करता नहीं कंपनी, बहुत स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में करता है, बोनस एलिमेंट है ना. सो द आइडिया इज राइट इशू इज जस्ट दैट. अच्छा बोलो ना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जो भी मैं देता हूं, कंपनी जो भी देता है, इससे क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न डाइल्यूट होता है? नहीं. नॉन डाइल्यूटिव या डाइल्यूटिव? नॉन डाइल्यूटिव, नॉन डाइल्यूटिव. बट मैं अगर डिस्कस करूंगा आप लोग नॉन डाइल्यूटिव को भी नहीं मानोगे, वो गहराई में जाके वो अगर रिनाउंस कर दे, राइट, रिनाउंसिएशन ऑफ राइट, बहुत कुछ हो सकता है दुनिया में, कैसे क्या होगा वो बात का बात है. बट ये नॉन डाइल्यूटिव इसलिए क्योंकि फर्स्ट इशू जब हो रहा है तो तब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट दिया जा रहा है, तो लीगली इट्स नॉन, द पर्पस इज नॉन डाइल्यूटिव. ओके, वी अग्री. सो लेट अस सी द लैंग्वेज ऑफ राइट्स इशू, एक बार देखते हैं. ये सबको पता है मोर ऑर लेस, बिकॉज अकाउंट्स में ये पढ़ाया जाता है. सेक्शन 62 अगर राइट है तो 63 बोनस है, ऐसे करके याद भी रहेगा. ओके, राइट इशू इन्वॉल्व्स प्री एम्प्टिव. ये जो शब्द है ना प्री एम्प्टिव, प्री एम्प्टिव का मतलब है पहले से आपको अधिकार है क्योंकि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो. प्री एम्प्टिव, पहले से. प्री एम्प्टिव सब्सक्रिप्शन राइट्स, पहले से सब्सक्रिप्शन राइट दिया जा रहा है. टू बाई एडिशनल सिक्योरिटीज इन अ कंपनी ऑफर टू हुम, एग्जिस्टिंग ऑन न्यू, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर्स. इट इज अ नॉन डाइल्यूटिव प्रोपोर्शनेट वे टू रेज कैपिटल और डाइल्यूटिव? नॉन डाइल्यूटिव. क्लियर है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सो द की वर्ड्स आई हैव ऑलरेडी बोल्डेड, प्री एम्प्टिव सब्सक्रिप्शन राइट्स टू बाई एडिशनल सिक्योरिटीज ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर्स. इट इज अ नॉन डाइल्यूटिव प्रो डेटा वे टू रेज कैपिटल. इज इट क्लियर? दैट इज राइट, दैट इज राइट. ओके सर, फिर नेक्स्ट क्या है? देखो उसको लेके ही थोड़ा बहुत नियम कानून है. अब नियम कानून क्या है एक बार तुम लोग पढ़ो, ऊपर से नीचे पढ़ो, कुछ डिस्कस नहीं करूंगा. पहले तुम लोग तीन पढ़ोगे, तीन में आके मैं डिस्कस करूंगा, एक डायग्राम बना दूंगा. जल्दी से पढ़ो. आई कैन नॉट मेक द डायग्राम टिल यू रीड. एनीवे, ओके, इफ यू रेड, एक बार मेरे साथ पढ़ते हैं और फिर मैं जो पिक्चर बनाऊंगा वो कॉपी करने से आप लोग का काफी हो जाएगा, यह दिमाग में बैठ जाएगा. राइट लेके क्या क्या नियम कानून है, राइट क्या है वो तो पहले स्लाइड में देख लिए. वेयर एट एनी टाइम A company having share capital proposes to increase its subscribed capital by issue of further shares. Such shares shall be offered to persons. Section 62, subsection 1 क्या बोल रहे हैं? ये 62 का 1 बोल रहे हैं. ऊपर में लिखा हुआ है. Two persons who at the date of offer are holder of equity shares. That is why it is what? Right, and that is why it is a non-dilutive thing. Now you get it? Because the company's intention is to offer to the existing shareholders. So company will say it is non-dilutive. Okay. Are holders of equity shares in the of the company in proportion to the paid up share capital on those shares by sending a letter of offer subject to following conditions. Teen conditions diya. Padh liya aap log? Kya kya condition hai? Offer shall be made by notice
अच्छा ये जो ऑफर लेटर है, ये ऑफर लेटर का बात बोल रहे हैं, बोला ना ऑफर लेटर दिया जाएगा। ऑफर लेटर में क्या लिखा रहेगा? नंबर ऑफ शेयर्स जो ऑफर हो रहा है, एंड एक टाइम जिसके अंदर ऑफर के, जिसके जितना दिन के अंदर आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। याद है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिस्क्राइब टाइम, सो द नोटिस शैल हैव अ प्रिस्क्राइब टाइम। शॉर्ट में जो बहुत सारा लॉ पढ़ लिया उसके लिए तो आसान है, प्रिस्क्राइब टाइम का मिनिमम टाइम फ्रेम कानून बोल दिया। अब इसके अंदर एग्जैक्ट क्या होगा, दैट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, बट लॉ इज स्टेटिंग, क्वेश्चन ऑफ लॉ इज 15 to 30 days, बोला ना मिनिमम 15 days एंड मैक्सिमम 30 days, नॉट एक्सीडिंग मतलब मैक्सिमम, नॉट लेस देन 15 मतलब मिनिमम, गॉट इट? सो फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर विद इन विच द ऑफर इफ नॉट एक्सेप्टेड प्रिस्क्राइब टाइम शैल बी डीम्ड टू बी हैव डिक्लाइंड। डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड बोलने से तो वो ऑफर इनवैलिड हो जाता। टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच विल अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। तो डिक्लाइन तो बोल ही सकते हैं, मतलब प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट दे दिया। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 90% ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी हैव गिवन देयर कंसेंट इन राइटिंग और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, द पीरियड लेसर देन नोन स्पेसिफाइड देन अबव शैल अप्लाई। मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फास्ट ट्रैक पैसा उठाने के लिए, और प्राइवेट लिमिटेड 200 मेंबर्स ही तो मैक्सिमम है, छोटा कंपनी। यूजुअली प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, 90% ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैव लेस नंबर ऑफ मेंबर्स, वो भी पता होना चाहिए, ठीक है? मतलब 10 से लेस, 2-3 मेंबर्स ही है, 2 ही डायरेक्टर है, उसमें एक डायरेक्टर बिजनेस भी नहीं देखता है, ऐसा होता है, ठीक है? हकीकत बता रहा हूँ। SACI प्राइवेट लिमिटेड कितना, 2 डायरेक्टर्स है, ठीक है? संजय सराफ एंड पूनम सराफ। सो द आइडिया इज जो भी कंपनीज है दुनिया भर में, इंडिया भर में जितना भी कंपनीज है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का 90% ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का एनालिसिस बैठाओ एक्सेल में, देखो डायरेक्टर्स 2 ही मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 200 तो मेंबर्स लिखा हुआ है, मेंबर्स वो भी, ठीक है ना? ओके, 200 डायरेक्टर्स हो भी नहीं पाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मैं बोल दिया था 15। ओके, ऑल राइट सर, सर बताइए अब कॉन्सेप्ट। बोला जा रहा है देखो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पैसा का सख्त जरूरत हो सकता है, वो अपना शेयर होल्डर को इशू करके जल्दी से पैसा उठाएगा, और वो उठाने के लिए उसको 15 दिन के नीचे भी हो सकता है ना, तो बोल दिया 90% का रिटर्न कंसेंट ले लो, 15 दिन के नीचे कर लो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर हो तो। क्लियर है, समझ में आया? पॉइंट नंबर वन का बगल में लिख नहीं पाओगे, टाइम लिमिट, ठीक है? अभी कॉपी में मैं लिखा दूंगा तो वो कॉपी करने से हो जाएगा। Unless the articles of the company otherwise provide, यानी कि articles में otherwise provide हो सकते हैं, the offer aforesaid shall be deemed to include a right accessible by a person concerned to renounce the shares offered to him or any of them in favor of any other person, ठीक है? मतलब बोल रहे कि ये right का अंदर और एक right embedded है, वो है right to renounce. One is the right to exercise what? The right to subscribe to the shares at a concessional rate by the existing shareholders. That is the right. And another right is deemed to be there. That is the right to renounce such shares in favor of a third person. Clear hai? Point number two is renunciation. Theek hai? But unless otherwise agreed in the articles. Matlab articles mein agar kuch aur likha hai ki renounce nahi payega, to kaise karoge? अमेंड कर लेना आर्टिकल्स, उपाय है, लीगल रास्ता है, ठीक है? अब जल्दी से पॉइंट नंबर 3 में आते हैं। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस अफोर्सेड और ऑन रिसीट ऑफ अर्लियर इंटीमेशन फ्रॉम द पर्सन टू हुम सच नोटिस इज गिवन दैट ही डिक्लाइंस टू एक्सेप्ट द शेयर्स ऑफर्ड, मतलब डिक्लाइन अगर हो गया, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मे सेल, डिस्पोज का मतलब क्या होता है, सेल ऑफ देम in such manner which is not disadvantageous to the shareholders and the company. मतलब पानी का भाव में बेच नहीं पाएगा और किसी एक favored person को नहीं देगा, वो transparently बेचना पड़ेगा, एक बार offers decline हो गया था। Is it clear rights? पूरा clear हुआ rights? दिमाग पूरा एकदम clear चल रहा है? Okay. Sir, बताइए rights का diagram. ऑफर लेटर गिवन टू, ऑफर लेटर को वो लोग क्या कहा, सेक्शन 62 सबसेक्शन 1,
सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 में कॉपी कर लो, ऑफर लेटर को कहा नोटिस टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, नोटिस टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, यस और नो? और ये नोटिस टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का को जब दिया जाएगा, मिनिमम 15 डेज मैक्सिमम 30 डेज, ठीक है, मैक्सिमम 30 डेज। ये डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों? क्योंकि 30 डेज फ्रॉम ऑफर एंड 15 डेज फ्रॉम ऑफर, नॉट लेस देन 15 डेज, नॉट मोर देन, नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। यानी कि ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड विद इन द ब्लैक रीजियन, हाँ है ना, ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड, हाँ है ना, यस और नो? Beyond this, I'm drawing in brown. Any time after, offer will be deemed to be declined. Yes or no? Or offer decline ho jane se, either by rejection or by expiry of time. ऑफर डिक्लाइन हो जाने से इधर बाई रिजेक्शन और बाई एक्सपायरी ऑफ टाइम, वट विल हैपन? द डिरेक्टर्स कैन वॉट? डिरेक्टर्स कैन डिस्पोज, यस और नो? अरे बोलो भाई, डिरेक्टर्स कैन डिस्पोज ऑफ इन अ मैनर नॉट डिसएडवांटेजियस टू द मेंबर्स और कंपनी, क्लियर है? इज इट क्लियर? सर थोड़ा बड़ा हो गया, अभी ठीक है, अभी समझ में आ रहा है, ठीक है? रेड मतलब मैक्स, ये है मैक्स, और ब्लू मतलब मिन, अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी यू विल Unless otherwise mentioned in the articles of the company, you will always what? Presume that there is a right to renounce the right shares. Is it clear? Okay. Copy kar liye. Hello. Relax. Okay, all right. Now, let us come to the next one. Okay, sir. Sir, बताइए अभी ESOP का क्या फंडा है? देखो, ESOP जो है ना भाई, ESOP का बहुत बड़ा फंडा है. पहला फंडा है, ESOP है क्या? थोड़ा आपका शब्दों में बताइए. What is ESOP? Employee Stock Option Plan. ये क्या है सर? कंपनी इन ऑर्डर टू रिटेन द एम्प्लॉइज for a longer period in the company
अनाउंसेस और डिजाइंस. थैंक यू. ओके, तो मैं क्या लिख रहा था, मैं लिख रहा था कि कंपनी, कोई भी कंपनी अपना एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए एक प्लान बना सकता है. सर क्या प्लान बनाएगा? प्लान ये बनाएगा कि एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए एम्प्लॉय को बोलेगा, देख भाई तू एम्प्लॉय नहीं है, तू मेरा भाई है. कैसे? तू मेरा फैमिली मेंबर है. कैसे? तू शेयर्स ले ले. एम्प्लॉय बोलेगा कैसे? बोलेगा बाजार से नहीं, हम लोग इशू करेंगे एकदम पानी का भाव में, एकदम पानी का भाव में, और यू आर एंटाइटल्ड टू गेट दैट शेयर, बट इसका कुछ कंडीशंस है, लॉक इन पीरियड है, तुमको रहना पड़ेगा आहिस्ते आहिस्ते, 2-3 साल में वेस्ट होगा अकाउंट्स में पड़े हो, वेस्टिंग पीरियड. सो ऑल दीज थिंग्स आर तरकीब्स एंड तरीका टू रिटेन द एम्प्लॉय फॉर अ लॉन्गर पीरियड. एंड यही है प्रैक्टिकल रीजन व्हाई अ कंपनी डिजाइन्स ईसॉप और अनाउंसेस ईसॉप इन ऑर्डर टू रिटेन द एम्प्लॉयज फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन द कंपनी, इन ऑर्डर टू रेजिस्ट व्हाट, रेजिस्ट द हाई एट्रिशन. हाई एट्रिशन विच इज हैपनिंग इन अ कंपनी. हाई एट्रिशन मतलब एट्रिशन जो पढ़ते हो लेबर टर्न ओवर इन कॉस्टिंग सेपरेशन मेथड. ठीक है, तो वो वही है. क्लियर है? सो ये जो एट्रिशन को कम करने के लिए, एम्प्लॉय को लॉन्गर पीरियड के लिए रिटेन करने के लिए जो प्लान एक कंपनी तरकीब जो सोचता है, उसका नाम ही ईसॉप है, और उसका लीगल जो चीज है वो सेक्शन 62 में बोला गया है. बिकॉज ये भी फर्दर इशू ऑफ शेयर्स ही है, और चोरी छुपके से ही है इन अ वे, लिमिटेड नंबर ऑफ ऑडियंस है ना एम्प्लॉयज. ठीक है ना, हर एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा, एम्प्लॉय को बहुत सारा कंडीशंस है, वो सब रूल्स है. ठीक है, अब ईसॉप का जनरल सेक्शन 62 लेके क्या बातचीत है वही हम लोग पढ़ने वाले हैं. क्लियर है पूरा? ओके सर, अब बताइए ईसॉप का ज्ञान क्या है? ईसॉप का ज्ञान कुछ ऐसा है कि देखो, सॉरी, ईसॉप का ज्ञान कुछ ऐसा है कि देखो, अगर ईसॉप का बात हो तो कैसा रेजोल्यूशन लगना चाहिए आपको? क्या लगता है, नॉर्मल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से होना चाहिए? एम्प्लॉय लोग को कंसेशन में आप खिला रहे हो, इन अ वे खिला रहे हो ना, मतलब तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन होना चाहिए. हाँ, ईसॉप हैज टू बी विद स्पेशल रेजोल्यूशन, हैज टू बी, मस्ट. ठीक है ना, यानी कि 75% ऑफ द पीपल मस्ट बी, मेंबर्स मस्ट बी कन्विंस्ड कि ईसॉप अच्छा है. तो देखो, टू एम्प्लॉयज, सर ये तो हद हो गया अचानक, टू एम्प्लॉयज. हाँ, मतलब ईसॉप कैन बी गिवन टू employees under a scheme of ESOP, or further issue of share capital can be made to employees under a scheme of ESOP subject to SR, subject to special resolution, or to any person if it is authorized by SR, whether or not those persons include persons referred to in clause A. Or ye darkar nahi hai, ye darkar nahi hai. The clause authorizes companies to issue shares to persons other than existing shareholders and employees. Ye basically this is talking about the preferential allotment under private placement jo section 42 mein hum log padhe hain. This slide mein ek hi cheez important hai jo main likha, ESOP subject to SR. Ye yaad rakhna hai. This slide is not talking about ESOP. Okay. Now sir ek cheez bataiye, ye jo aap bole शुरू में, यहां पे सेक्शन 62 का एक चार्ट बना के, हाँ ये वाला चार्ट बना के आप जो बोले, तो इसमें ये समझ में आ रहा है कि ये ओआर से हो जाएगा क्योंकि एसआर नहीं लिखा है, इसके लिए एसआर लगेगा. हाँ है ना, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट जिसका बात हो रहा था सेक्शन 42, उसके लिए तो एसआर लगता ही है, पढ़े थे सेक्शन. और अभी बचता है, बाकी रहता है एक ही चीज, वो है कन्वर्शन ऑफ लोन्स और डिबेंचर्स टू शेयर्स. इसके बारे में थोड़ा बताइए, इसके बारे में थोड़ा बताइए. इसको कंपलसरी कन्वर्शन भी बोला जाता है कभी कभार, गवर्नमेंट कंपनी में ज्यादा होता है. गवर्नमेंट कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भर भर के लोन देता है,
और वो लोन गवर्नमेंट कंपनीज कभी भी टाइमली सर्विस नहीं कर पाता है. सर्विस मतलब ना उसका प्रिंसिपल चुका पाता है ना उसका इंटरेस्ट चुकता है, और उधार पे उधार पे उधार होते रहता है, जैसे तारीख पे तारीख वैसे. एंड ये उधार चढ़ते चढ़ते गवर्नमेंट कंपनी बंद होने लायक हो जाता है, और गवर्नमेंट क्या देगा, कहां से देगा? तो गवर्नमेंट बोलता है चलो लोन को कन्वर्ट करो किसमें? इक्विटी शेयर्स में, और गवर्नमेंट का हिस्सा बढ़ते जाता है. यही है. तो द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्शन, फॉर दिस कन्वर्शन, दिस इज ऑल्सो फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल बाय अ कंपनी. नाउ सी, लेट अस रीड टुगेदर. कन्वर्शन ऑफ डिबेंचर्स और लोन इन टू शेयर्स. Where any debentures have been issued or loan has been obtained from a government by a company. अच्छा, government क्या loan and debenture private company में देता है? कभी नहीं, वो अपना company में ही देगा. And if that government considers it necessary in the public interest, it may by order direct that such debentures or loans or any part thereof shall be converted into shares in the company on such terms and conditions as appear to the government be reasonable. Reasonable नहीं होता है कभी भी. In circumstances of the case, even if terms of issue, even if terms of issue of such debentures or raising of such loans do not include a term for providing for an option for such conversion. इसीलिए तो reasonable नहीं है बोला. कहाँ reasonable है? बोला original terms of issue of loan या debenture में कहीं लिखा नहीं है conversion का clause, but फिर भी government जोड़ करके convert करा लेगा, क्योंकि natural है. government पैसा दिया है, पैसा नहीं चुका पा रहे हो तो वो तो करेगा ही, वो भी तो natural है. तुमको बंद ना करके वो convert कर ले रहे. क्लियर है ना? और अभी जो आईबीसी आया उसके साथ थोड़ा लिंक भी कीजिए. आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. कोई भी कंपनी अगर लोन वोन नहीं दे पा रहा है तो इंसॉल्वेंसी बहुत फास्ट हो रहा है, इसीलिए तो ये सब लाया गया. क्लियर है? अच्छा सर, टर्म्स ऑफ कन्वर्शन अगर जाती लगा कोई कंपनी को तो एनसीएलटी है ना, मंदिर घंटी बजाओ जाके, एनसीएलटी का घंटी. Terms of conversion not acceptable to the company, whether T and C of such conversion not acceptable to the company, it may within 60 days of date of communication of such order appeal to the tribunal, which shall after hearing the company and the government pass such order as it deems fit. ठीक है ना? तो 60 दिन के अंदर अंदर NCLT में जाओ order मिलने का, conversion का order मिलने का. अगर तुमको unreasonable लगे, किसी को लगेगा नहीं, किसको लगेगा? गवर्नमेंट का ही तो बना बैठा हुआ चीज है. ठीक है? ओके, नाउ नाउ लेट अस सी सेक्शन 71 फर्स्ट. फॉर अ चेंज सेक्शन 71 यहां पे है, बट फॉर अ चेंज वी विल गो अप एंड फिनिश ऑफ नॉट सीरियली बट सेक्शन 68 फर्स्ट, देन 69 फर्स्ट, देन 70 एंड 71. पहले ये चार सेक्शंस खत्म करते हैं, फिर हम लोग का बचेगा जो हम लोग देखेंगे, टाइम रहेगा तो आज कर लेंगे, नहीं तो अगला क्लास विथ चैप्टर 5 कर लेंगे. चैप्टर 5 वाज सपोज टू बी फिनिश टुडे, बट चैप्टर 5 आई गेस वी विल नॉट हैव, आई डोंट वांट टू रश एंड फिनिश, वी विल नॉट हैव टाइम. ओके, ऑलराइट, नाउ सो लेट अस कंटिन्यू. We were planning for the timings. So, continuing further, section 62 is over. We will plan further. Okay, later. Section 62 is over. Section 62 के बाद जो है, वो है section 63 जो कि हम लोग पहले कर चुके थे. Section 64 आज ही देख लिए. Notice to the registrar for alteration of share capital within 30 days and now we will do section 68, 9, 70 and 71 first. तो जो बाकी रहेगा section 65, 6, 7, वो अगर आज हो पाए तो आज, अगर आज नहीं हो पाए तो हम लोग अगला दिन करेंगे, which is with chapter 5. Okay, alright. This Sunday are you guys free? I will talk after this. This Sunday अगर हो पाए, पहले एक तो करते हैं, देखते हैं. Okay. Now, number one. Number one is section 68. Common to accounts. Sab log kiye ho. Buyback of equity shares. Sir, kya hai? Isme common to accounts kya kya hai? Bataiye. Pehla baat, buyback kya hai? Sabko malum hai. Equity shares ko, ek company agar khud ka equity shares ko khud hi kharid le, to usko kaha jata hai buyback of shares. It is
इट इज एज गुड एज सब्सटेंशियली रिडेम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर्स है ना. तुम्हारा खुद का शेयर्स खरीद रहे हो, तुम हो रिलायंस, रिलायंस का शेयर खरीद लिए तो मार्केट में तुम्हारा नंबर ऑफ शेयर्स घट गया है ना. और अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट होता है, तुम लोग तो चैंपियन हो उसमें, कोई बोलने का बात ही नहीं है ठीक है. बट लीगल सारा पॉइंट्स अकाउंट्स में भी बोला जाता है क्योंकि अकाउंट्स का सब में वही कंडीशंस दे के पूछा जाता है हाँ ना. मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक, तब तीन कंडीशंस देता है. एडजस्टमेंट्स में एक है, इट कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ द फ्री रिजर्व्स एंड पेड अप शेयर कैपिटल. इट कैन नॉट रिसीव 25% ऑफ द यू नो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक. And also the debt equity ratio after buyback, that is post buyback debt equity ratio cannot be less than 2. यही तो सारा conditions है, है ना. और सिर्फ इसके अलावा, इसके सिवा और भी conditions है जो law में पढ़ने वाले हैं. एक तो buyback authorized by articles होना चाहिए, एक special resolution तो must है, must buyback कब आता है ना. And CRR creation, ये तो दूसरा सेक्शन में हम लोग देखेंगे, बट अकाउंट्स में तो एक साथ ही पढ़ा दिया जाता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएशन है ना. फिर भी और भी बहुत सारा कंडीशन है जो अकाउंट्स में कभी दिखाई नहीं देता है बट बुक में लिखा रहता है, सेक्शन 68 वो लोग अकाउंट्स बुक में भी छाप देते हैं. तो उसमें है कूलिंग ऑफ पीरियड है ना. बायबैक रेजोल्यूशन पास करने का कितना महीने के अंदर हो जाना चाहिए, 12 महीना ठीक है. और बायबैक होने के बाद इशू ऑफ शेयर कैपिटल नहीं होना चाहिए नेक्स्ट 6 मंथ्स, वही तो कूलिंग ऑफ था है ना. तो ये सारा फंडा हम लोग साथ में एक स्टोरी बना के अभी देखने वाले हैं, विच इज नोन एज कंडीशंस फॉर बायबैक. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेक्शन 68 में यही है खास और कुछ भी नहीं है. सो कंडीशंस फॉर बायबैक, बोलो बोलो. पहला, ये जो लिखा है ना इसमें कंडीशंस नहीं लिखा है, इसमें बोला है प्रोसीड्योर बिफोर, सॉरी इसमें लिखा है, हाँ इसमें लिखा है सोर्सेस ऑफ फंड्स फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स. ये अकाउंट्स का टॉपिक से पूरा हूबहू मिलता है, अकाउंट्स में भी पढ़ाया जाता है सोर्सेस ऑफ फंड्स फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स. बोलो, एक कंपनी का फ्री रिजर्व्स का मतलब हम लोग बार बार सुने हैं और पढ़े हैं. फ्री रिजर्व्स का मतलब होता है कि द रिजर्व विच कुड बी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर्स ठीक है ना. तो सोर्सेस ऑफ बायबैक में तीन ही सोर्सेस के बारे में कहा गया है. एक है फ्री रिजर्व्स, FR का मतलब क्या है, मतलब है रिजर्व्स दैट कुड बी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड्स. रिजर्व्स दैट कैन बी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड्स ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड्स ठीक है ना. यानी कि जो रिजर्व्स को तुम डिविडेंड्स के तौर पे बांट पाओ, वैसा रिजर्व्स को बोला जाता है फ्री रिजर्व्स. इसलिए नाम है फ्री, ये इसका कोई अलग पर्पस नहीं है. एग्जाम्पल GR, PL, etc. क्लियर है. अच्छा सर, ये फ्री रिजर्व से बायबैक हो सकते हैं? हाँ, फ्री रिजर्व में भर भर के पैसा है तो तुम शेयर होल्डर को दे रहे हो, शेयर होल्डर का ही तो डिविडेंड का पैसा है ठीक है. ऑफकोर्स तुमको अल्टरनेटिवली CRR बनाना पड़ेगा फ्री रिजर्व से, इसीलिए क्लियर है. नंबर टू में देखो क्या लिखा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसके साथ लिंक करो सेक्शन 52 का पढ़ाई. PPBBC में एक भी क्या था, बायबैक. और बायबैक का जो मेन कैपिटल है वो तुम रिडीम कर सकते हो. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स था बट बायबैक पूरा था, प्रीमियम ऑन बायबैक नहीं था, याद है. सो सिक्योरिटीज प्रीमियम इज एज गुड एज अ फ्री रिजर्व फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स. लास्टली क्या होना चाहिए, तुम लोग खुद बताओ. अकाउंट्स में बहुत हम लोग पढ़े हैं, बार बार पढ़ते हैं, बोलो अल्टरनेट शेयर कैपिटल.
अल्टरनेट शेयर कैपिटल अगर इशू करो, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है तो अल्टरनेट शेयर कैपिटल इशू करने से भी बायबैक हो सकता है ना। तो क्या लिखा है, द प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, यानी कि मैं प्रेफरेंस शेयर इशू किया, शेयर कैपिटल तो उतना ही हो गया। कैपिटल रिडक्शन का प्रोविजन को हर्ट ना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर ऑल्टरनेट शेयर करते हैं या फिर फ्री रिजर्व्स या सिक्योरिटीज प्रीमियम को इस्तेमाल करके सीआरआर बना लेते हैं। सीआरआर का इस्तेमाल वही होता है कि बोनस शेयर्स दिया जाए, है ना, यही तो है, अकाउंट्स में पढ़ते हैं। तो द थर्ड सोर्स ऑफ बायबैक इज, फंड्स फॉर बायबैक इज इशू ऑफ ऑल्टरनेट शेयर कैपिटल। क्लियर है, इज इट क्लियर, sources of buyback, this is a very important topic because ये accounts में भी same पढ़ाई है, तो एक पढ़ाई से दो दो subject का काम अगर बन रहे तो वो तो important हो गई। clear है, दिमाग में घुसा, okay sir, अभी next topic बताइए, buyback में ही है, लंबा topic है sir, buyback में next topic जो है वो है सबसे बड़ा topic buyback का जो मैं ऊपर में लिखाया बट शुरू किया sources से, वो है conditions for buyback। मैं पहला चार point तुम लोग को बोल दिया, अभी एक बार पढ़ो खुद से, एक बार पढ़ो, देन वी विल राइट ईच वन ऑफ इट इन शॉर्ट एंड यू कैन ऑल्सो राइट एंड रीड। फर्स्ट रीड इट, I told you in this chapter, across this chapter, सबसे ज्यादा common point है point number वन, must be authorized by the articles. Section 43 पढ़ाते वक्त बोल दिया था, पहला section जो कि था types of share capital, जहाँ पे issue of differential voting rights वाला shares का conditions में मैं पहला point में यही बोला था और ये बोल के बोला था आखिरी दम तक यही देखते रहोगे, ठीक है, clear है, ठीक है, okay. Now, so ये तो most common point है सर, buyback करोगे तो special resolution लगेगा, but special resolution वाला point के अंदर में कुछ लिखा है वो पढ़ के interpret मैं करूँगा, but पढ़ो, लिखा है कि 10% अगर paid up share capital और reserves का aggregate का 10% अगर इस्तेमाल हो रहा है तो in that case you do not require what? You do not require, tell me what, you do not require special resolution, rather you required board resolution, very good, theek hai, so I will interpret it, do not worry, I will interpret it to your benefit, theek hai, so they are saying that if the you know amount spent, I am using my words and choosing my words, amount spent on buyback, मतलब buyback करने के लिए जो पैसा खर्चा हो रहे, if that amount is less than or the buyback is 10% or less of the total paid up share capital and free reserve जब आएगा, it cannot be number of shares, it has to be an amount, are you getting me? And such buyback has been authorized by board, then I don't need a special resolution. Then special resolution is required where the amount spent on buyback is more than 10% of the paid up share capital and free reserves. Yes or no? Amount spent on buyback, number of shares nahi. Number of shares to 25% of the number of shares tum kar sakte ho, total number of equity shares. Theek hai? To main ek baar likh raha hu. तुम लोग ये तीन पॉइंट पहले पढ़ लो, सॉरी ये दो पॉइंट, द बायबैक इज 25% और लेस ऑफ द एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, ये तो अमाउंट हो गया वापस, प्रोवाइडेड दैट बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स शैल नॉट एक्सीड 25% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी शेयर्स, ये नंबर्स हो गया, हाँ है ना, इन अ वे नंबर हो गया, द रेशियो, ये भी मैं बोल दिया, रेशियो ऑफ एग्रीगेट डेट owed by the company after buyback is not more than twice. Clear है? कभी कभी बोल रहे कि special companies के लिए, government companies के लिए ये debt equity ratio 6 भी हो सकता है, क्योंकि government companies का debt ज्यादा हो सकता है,
डिपेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, वो ठीक है। अब जल्दी से मैं इसको खाली लिखना चाहता हूँ, ये चार पॉइंट्स को मैं लिखना चाहता हूँ कंडीशंस में, और कंडीशंस के बाद जगह नहीं छोड़ा, एक सेकेंड। नंबर वन, यू कैन कॉपी इट, इट विल सेव आवर टाइम। कंडीशंस, कंडीशन नंबर वन, इट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स। सॉरी, इट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स, ठीक है ना। कंडीशन नंबर टू, कंडीशन नंबर टू क्या है सर? कंडीशन नंबर टू बोल रहे हैं कि स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए इफ अमाउंट स्पेंट ऑन बायबैक इज ग्रेटर देन 10% ऑफ PUSC प्लस फ्री रिजर्व्स। यस और नो? सर ये SC मत बोलिए, ESC बोलिए, इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर है? अकाउंट्स में भी काम में आएगा। क्लियर है? वहीं पे काम में ज्यादा आएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर सर? नहीं तो क्या, नहीं तो BR ले लो भाई, वही तो बोला, BR ही काफी है। BR कहां तक काफी है? इफ अमाउंट स्पेंट ऑन बायबैक इज लेस देन इक्वल टू अप टू 10%, बोला ना सर? कहां पे बोला? ये देखो कि 10% और लेस, 10% और लेस मतलब अप टू 10% है ना, तो लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ। क्लियर है? इज इट क्लियर? यहां तक पूरा क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके सर, इतना बड़ा बड़ा करके वो लोग लिखा। हाँ वही तो करते हैं। ओके अब सर थर्ड पॉइंट क्या होगा? थर्ड पॉइंट को ऐसे कीजिए, थर्ड पॉइंट को तोड़ो दो चीज में। एक है अमाउंट स्पेंट ऑन बायबैक, और टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन बायबैक इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन बायबैक। बायबैक क्या मार्केट प्राइस में होता है या उससे ऊंचा प्राइस में होता है? उससे ऊंचा प्राइस, ठीक है। अमाउंट स्पेंट ऑन बायबैक कैन नॉट एक्सीड और लेस देन इक्वल टू 25% ऑफ, सेम यही चीज, PUESC प्लस FR है ना। एंड थर्ड में और एक पॉइंट है, अच्छा उसको फोर्थ कर दीजिए ना सर तो अच्छा लगेगा। हाँ उसको फोर्थ कर दिया। वो बोल रहे कि नंबर ऑफ शेयर्स, हाँ नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। पेड अप शेयर कैपिटल का 25% का मतलब क्या हुआ? यही हुआ है ना, इन अ ईयर। ये इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स परपेचुअली लाइफ लॉन्ग नहीं बोला। क्लियर है? इज इट क्लियर? नंबर फाइव भी तो था सर आपका, तो चार पॉइंट आप पांच पॉइंट कर लिए। हाँ पांचवा पॉइंट क्या था? डेट इक्विटी रेशियो पोस्ट बायबैक। सो पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो लेस देन इक्वल टू 2 मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 2। क्लियर है? मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 2 मतलब 2 हो सकता है बट 2 के ऊपर नहीं हो सकता है अनलेस इट इज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। वो तो बोल दिया सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन से हो सकता है कुछ आया है ना। यहां तक क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? कोई भी डाउट है किसी को? पहला पांच पॉइंट पूरा एकदम रप्त हो गया ना। अच्छा सोर्सेस फॉर बायबैक भी रप्त हो गया ना, तो अकाउंट्स में काम में देगा है ना। क्लियर है? पूरा क्लियर है? ओके, दिस इज व्हाट यू रिक्वायर फॉर बायबैक, नॉट एनीथिंग, एनी एक्स्ट्रा ज्ञान। 6, 7, 8, 9 पढ़ो। 6, 7, 8, 9
अच्छा, ये पॉइंट बहुत बार अकाउंट्स में बार बार बोला जाता है कि शेयर्स बॉट बैक हैज टू बी फुल्ली पेड अप। बोनस में भी ये सेम पॉइंट था, सेक्शन 63 बोनस इशू ऑफ बोनस शेयर्स में भी सेम पॉइंट पड़े थे, यू कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स अनलेस द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप। तो यही बोला, ऑल द शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज फॉर बायबैक आर फुल्ली पेड अप। अच्छा बोलो ना, इसके बाद वाला जो पॉइंट है ये बोल रहे कि अगर लिस्टेड कंपनी का शेयर्स का बायबैक कर रहे हो या लिस्टेड सिक्योरिटीज का बायबैक हो रहा है तो सेबी का रूल्स मानना पड़ेगा या ना मानने से भी चलेगा? मानना पड़ेगा, बहुत आसान है, सेबी का रूल मानना पड़ेगा, डेफिनेटली मानना पड़ेगा। ठीक है, द बायबैक इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन क्लॉज। अच्छा ये तो सेबी वाला पॉइंट ही बोला है। लास्ट पॉइंट जो लिखा है वो पढ़ो, प्रोवाइडेड नो ऑफर ऑफ बायबैक शैल बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ प्रीसीडिंग ऑफर ऑफ बायबैक। एक साल में दो बार हो सकता है तुम बायबैक बायबैक कर करके कंपनी को बंद कर दोगे, है ना, तो वाइंड अप करा लो। ठीक है, सो द आइडिया इज यू नो पॉइंट नंबर, ये स्लाइड्स का पॉइंट्स को कंसोलिडेट करते हैं in the conditions. Let us consolidate the points in the conditions. Point number 6. Tell me, 6 mein kya tha? Na dekh ke. Memory game. Fully paid up. BB must be of fully paid up securities. Matlab buyback karne ke liye pehle fully paid up kar lo. Clear hai? Number 7. बोलो, सेबी का रूल मान के करना पड़ेगा ना लिस्टेड सिक्योरिटी अगर है। इफ द सिक्योरिटीज आर लिस्टेड देन क्या बोलो मेरे को? हाँ, सेबी गाइडलाइंस एंड रूल्स मस्ट बी कंप्लाइड विथ, गाइडलाइंस एंड रूल्स मस्ट बी complied with. Last point bolo. 12 months gap between two buybacks. So, sorry ka kya hai? Of course, we can forget. There must be 12 months gap. Must be 12 months gap between two consecutive buybacks. क्लियर है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सर इसके साथ आप शुरू जब किए थे आप तो और भी कुछ रूल्स बोले थे, याद आ रहा है? दिखाऊंगा स्लाइड में, बट याद आ रहा है किसी को? बोलो, कूलिंग ऑफ पीरियड। कूलिंग पीरियड मतलब बायबैक का 6 महीने के बाद कोई इशू नहीं, नया इशू नहीं होगा अदर देन कन्वर्शन। कन्वर्शन तो हो सकता है, स्वेट इक्विटी शेयर्स हो सकता है, अंदर कुछ वजह स्वेट इक्विटी शेयर्स कन्वर्शन एटसेट्रा जो कि कंपलसरी है। ठीक है, जो कि कंपलसरी है वो तो करना ही पड़ेगा, बट जो कंपलसरी नहीं है उस वो 6 महीना बायबैक के अंदर नहीं होना चाहिए। यानी कि कानून बोल रहे तुम बायबैक कर रहे हो एक हाथ से, फिर इशू भी कर रहे हो शेयर्स, तुम करना क्या चाह रहे हो, है ना? तो कूलिंग ऑफ पीरियड, कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, पीरियड ऑफ 6 months from buyback, from buyback, that is no further issue of the same securities, issue of same securities, yes or no? और एक मैं चीज बोला था, मैं बोला था ये special resolution या buyback का resolution जिस दिन pass होगा, from the date of passing of such resolution for buyback, within 12 months buyback must be completed. So BB must be completed. और भी conditions है अगर बनाओ तो, BB must be completed, must be completed within 12 months from the date of passing of such resolution.
डेट ऑफ पासिंग ऑफ सच रेजोल्यूशन. क्लियर है? इज इट क्लियर? फुल क्लियर? ओके सर, इसके अलावा भी कंडीशंस है? हाँ है, मैं दिखाऊंगा. ओके तो देखो, ये तो सर बोल दिया आप. नेक्स्ट नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में देखो, प्रोसीडियर फॉर बाय बैक. अरे कंडीशंस और है नहीं, तो कंडीशंस मैं लिख दिया. इसके पीछे होगा कंडीशंस, और भी अलग अलग सेक्शन में पढ़ोगे मैं जो जो बोला. ठीक है, नंबर वन, प्रोसीडियर बिफोर बाय बैक. प्रोसीडियर बिफोर बाय बैक यानी कि बायबैक के पहले का प्रोसीडियर. प्रोसीडियर बिफोर बायबैक मींस बायबैक होने से पहले, ऑफ कोर्स स्पेशल रेजोल्यूशन तो करना पड़ेगा या बोर्ड रेजोल्यूशन करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट. द नोटिस ऑफ द मीटिंग एट विच स्पेशल रेजोल्यूशन इज प्रपोज टू बी पास शैल बी अकॉम्पनीड बाय एन ईएस. अच्छा बोलो ना, ये तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होगा. बायबैक करना क्या जनरल सॉरी ऑर्डिनरी बिजनेस है या स्पेशल बिजनेस है? ऑफ कोर्स एनी बिजनेस अदर देन अड्डा इज स्पेशल बिजनेस. और स्पेशल बिजनेस के लिए कोई भी नोटिस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा एजेंडा का, आया ना? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 102. तो स्पेशल स्पेशल बिजनेस का जो एजेंडा है उसके साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा. और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा रहेगा देखो. फुल एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटीरियल फैक्ट्स. क्यों बाय बैक कर रहे हो? नेसेसिटी फॉर बाय बैक, दैट इज. क्लास ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज इंटेंडेड टू बी परचेस्ड अंडर बाय बैक. फुल कंप्लीट डिस्क्लोजर, नेसेसिटी एंड देन क्लास. अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड अंडर द बाय बैक, कितना अमाउंट, अमाउंट स्पेंट ऑन बाय बैक. टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बाय बैक. ठीक है, ना देख के लिखो, ना देख के लिखो. प्रोसीडियर बिफोर बाय बैक लिखो, उसमें क्या बोल रहा हूं जल्दी. नंबर वन, नोटिस ऑफ द मीटिंग एट विच एसआर इज पास्ड, ईएस मस्ट बी गिवन. एंड ईएस मस्ट इंक्लूड व्हाट? फाइव थिंग्स. नंबर वन क्या था? फुल डिस्क्लोजर. नंबर टू, ना देख के एक बार सोचो, नेसेसिटी फॉर होल्डिंग बाय बैक. क्लास ऑफ सिक्योरिटीज और शेयर्स टू बी बॉट बैक. टाइम पीरियड सॉरी टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन एंड अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड. लिखो. क्लियर है? वेरी गुड. Is it clear? Okay. अभी देखो सेक्शन 68 में बोला टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बाय बैक. मैं बोला ना बाद में है, बाद में ये सारा conditions दिया. तीन condition मैं बोला नहीं, वो भी यहाँ पे दिया. चार condition क्या है? वो चार condition मैं एक एक line में लिख दिया. Declaration of solvency दिख रहे? बाय बैक करने से पहले तुमको सॉल्वेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा, नहीं तो कानून बोलेगा तुम इंसॉल्वेंट हो गए और शेयर होल्डर का पैसा वापस पहले कर दे रहे हो. डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, अ वेरी बिग लीगल स्टेप. रजिस्टर ऑफ बायबैक मेंटेन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स. कौन सा मेंबर्स का कौन सा शेयर्स लिए, है ना? फाइलिंग ऑफ बायबैक रिटर्न, बायबैक होने के बाद एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा किसके साथ? रजिस्ट्रार के साथ. वेरी गुड. सो ये तीन चीज मैं बोला नहीं. और एक खास चीज जो अकाउंट्स में भी बोला जाता है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ सिक्योरिटीज. फिजिकली सिक्योरिटीज को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा विद इन 7 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ बायबैक. क्लियर है? क्लियर है? तो ये चार पॉइंट मैं बोला नहीं. कूलिंग पीरियड एंड टाइम लिमिट फॉर बायबैक तो मैं बोल दिया था, पढ़ो. Twelve months time limit,
डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी समझ में आ गया, किसके साथ करना है अड़ोसी। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ सिक्योरिटीज कहाँ करना है, CDSL, NSDL, जिसके पास सिक्योरिटीज है वो लोग करेगा, या कंपनी के पास अगर है तो वो अगर बायबैक कर रहे हैं फिजिकल सिक्योरिटीज वो करेगा, ठीक है। कूलिंग पीरियड, कूलिंग पीरियड मैं तो बोल दिया 6 महीने के अंदर बोनस इशू छोड़ के या जो सबसिस्टिंग ऑब्लिगेशंस है वो छोड़ के, जैसे कि स्वेट इक्विटी या ESOP या कन्वर्शन, वो छोड़ के और नया कोई शेयर इशू कर पाओगे? नहीं। रजिस्टर ऑफ बायबैक मेंटेन करना पड़ेगा, फाइलिंग ऑफ बायबैक रिटर्न करना पड़ेगा। सर तो आपका कंडीशन में 4 पॉइंट और जुड़ेगा, मैं बोला था ना और भी पॉइंट है। तो देखो नंबर 11 क्या होगा, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। सर नंबर 12 क्या है, नंबर 12 इज बोलो, हाँ एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ऑफ फिजिकल सिक्योरिटीज विद इन 7 days ऑफ कंप्लीशन। विद इन 7 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ बायबैक, ठीक है। नंबर 13 क्या होगा, बायबैक रिटर्न एंड बायबैक रजिस्टर। 13 and 14 विल बी बायबैक रिटर्न एंड बायबैक रजिस्टर, रजिस्टर फॉर बायबैक एंड एक बायबैक का रिटर्न फाइल करो। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? सो दीज आर द 14 points, 14 conditions ऑफ बायबैक। तो हम लोग ना देख के एक बार बोलते हैं बायबैक में क्या सीखे अभी तक। सोर्सेस फॉर बायबैक 3 ही है, सोर्सेस फॉर बायबैक 3 है। क्या क्या ना देख के बोलो, नंबर 1 इज फ्री रिजर्व्स, नंबर 2 इज सिक्योरिटीज प्रीमियम, नंबर 3 इज इश्यू ऑफ फ्रेश शेयर कैपिटल। बोलो कंडीशंस, 14 conditions है, ना देख के एक बार कोशिश करो। ऑथराइज ना देख के ऑथराइज बाय आर्टिकल, स्पेशल रेजोल्यूशन या बोर्ड रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा अगर 10% एक्सीड करेगा, एक्सीड्स 10% द अमाउंट स्पेंट ऑफ बायबैक, एक्सीड्स 10% ऑफ द टोटल ऑफ paid up equity share capital and free reserve. If it is less than equal to 10%, then BR is good enough. ठीक है, buyback amount spent of buyback cannot exceed 25% of the total of paid up equity share capital and free reserves. फिर हम लोग पढ़े, number of shares bought back cannot exceed in a year 25% of the total number of shares, equity shares. ओके, अब अगर बात करें बाकी कंडीशंस का, डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो कैन नॉट एक्सीड 2, सर्टेन केसेस इट कैन, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। फिर बोलो, फिर क्या हम लोग पढ़े थे, बोलो याद करो। एग्जैक्ट ऑर्डर ना याद करने से भी चलेगा, एग्जैक्ट ऑर्डर ना याद करने से भी चलेगा, यू डोंट हैव टू बी लाइक दिस ऑर्डर, ये जो ऑर्डर मैं किया ये नहीं, फुल्ली पेड अप होना चाहिए। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का रूल्स मानना पड़ेगा अगर लिस्टेड है तो। 12 महीने का गैप से ऊपर नहीं, मतलब 2 consecutive buybacks must have a gap of at least 12 months, है ना? Cooling of period, fresh shares issue नहीं होगा unless subsisting obligations है company का, sweat equity, ESOP या conversion का या bonus का, ठीक है? Buyback must be completed within 12 months of the passing of the resolution, be it special or board. Declaration of solvency, extinguishment of physical securities, return and register. एंड इसके साथ मैं प्रोसीड्यूर्स फॉर बायबैक में मैं 3 चीज पहले बोला, प्रिसीडिंग द बायबैक क्या होना चाहिए, नोटिस भेजना चाहिए, और वो नोटिस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होना चाहिए, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में 5 चीज होना चाहिए। क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके, सो दैट कंक्लूड्स आवर बायबैक, दैट कंक्लूड्स आवर बायबैक, बट वी आर, आवर क्लास इज लेफ्ट। सेक्शन 69 क्या बोलता है मैं एक बार जल्दी से समझाऊंगा, फिर इसका राइटअप दिखा के हम लोग 70 देखेंगे। एक बार देखो, अकाउंट्स क्लास में तुम लोग को समझाया जाता है, ये जो सोर्सेस फॉर बायबैक मैं बोला वही चीज समझाया जाता है, हाँ या ना? क्या बोला जाता है, अगर फ्री रिजर्व्स और पेड अप शेयर कैपिटल में कुछ पैसा पड़ा है, सॉरी फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम में कुछ पैसा पड़ा है, वो पैसा से बायबैक करो, और उसके ऊपर जो पैसा है वो उसका फ्रेश शेयर्स इशू करो,
और वो पैसा से क्या होगा अल्टीमेटली फ्री रिजर्व्स, और उसको क्या करना पड़ेगा सीआरआर बनाना पड़ेगा। ये जो सीआरआर बनाने का रिक्वायरमेंट है, सीआरआर यानी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, रिडेम्पशन रिजर्व ये बनाने का जो आवश्यकता है, ये कंपनी लॉ का सेक्शन 69 का ज्ञान है। सेक्शन 69 टॉक्स अबाउट क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व and this shall be created, please focus, this shall be created out of free reserves or securities premium, or free reserves and securities premium, हाँ या ना, technically हाँ या ना, and इसका एक ही काम है, इसका application यह है source, और इसका application एक ही है, इससे क्या बनता है bonus shares, fully paid up bonus shares issue होता है ना, CRR से क्या होता है future में Only fully paid up bonus shares are issued. Fully paid up bonus shares are issued. Ultimately, मेरे को बताओ, capitalization of reserves ही हुआ ना? ऐसे देखो, it is capitalization of reserves only. Why is it done? For the insecurity of the debt holders. In a company, debt holders को insecurity होगा कि buyback ऑफ इक्विटी शेयर हो रहे हैं। इक्विटी शेयर वाले जो लोग रेसिडुअल होल्डर इन अ कंपनी है, रेसिडुअल स्टेक होल्डर का मतलब है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करने के बाद जो रेसिडुअल स्टेक है इन लोग का है, ये लोग का क्लेम लास्ट होना चाहिए इक्विटी। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग इक्वेशन में ए माइनस एल इज इक्वल टू सी, दैट सी इज रिप्रेजेंटेड बाई ई और इक्विटी इन अ कंपनी, यस और नो? And that is what they are insecure about, कि इक्विटी वाले पैसा लेके भागेंगे तो कंपनी लॉ उन लोग का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बोला कि इक्विटी वाले पैसा लेके भाग ही नहीं पाएंगे, जितने का नॉमिनल वैल्यू का शेयर डिप्लीट होगा बायबैक होगा उतने का फ्रेश शेयर कैपिटल आएगा, या फिर उतने का फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम होना चाहिए जिससे पैसा दे रहे, और उतने का सेम शेयर कैपिटल वो लोग बना लेगा क्योंकि सीआरआर बनाएगा, सीआरआर का एक ही मकसद है वो है ये, समझ में आया सेक्शन 69 का बोलना और अकाउंट्स, ठीक है? तो लेट अस सी ट्रांसफर ऑफ सर्टेन सम्स टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट सेक्शन 69, वेयर अ कंपनी परचेजेस इट्स ओन शेयर्स आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, देन अ सम इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू नॉट द प्रीमियम ऑन बायबैक, अगर 10 रुपया का शेयर 30 रुपया पे बायबैक हो रहा है तो 10 रुपया का, समझ में आया, 10 रुपया का शेयर अगर 30 रुपया में क्या हो रहा है बायबैक, तो ओनली 10 रुपीज का सीआरआर बनेगा, 30 का नहीं, बात समझे? ओके, देन अ सम इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर सो परचेस शैल बी ट्रांसफर टू द सीआरआर एंड डिटेल्स ऑफ सच ट्रांसफर शैल बी डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट, द सीआरआर अकाउंट में बी अप्लाइड बाई द कंपनी इन पेइंग अप अनइश्यूड शेयर्स ऑफ द कंपनी टू बी इश्यूड टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एज फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, कहां से आएगा, सोर्स क्या है और कहां जाएगा, अप्लाई कैसे होगा, मैं बता दिया, क्लियर है? ओके, नाउ सेक्शन 70 प्रोहिबिशन फॉर बायबैक इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, बहुत आसान चीज है, बहुत ही आसान चीज है, बोल रहे कि कब कब बायबैक नहीं होगा, बोलो मैं मेरा सब्सिडियरी से या इन्वेस्टमेंट कंपनी से मेरा खुद का शेयर्स खरीद नहीं पाऊंगा, यही बोल रहा है सेक्शन 70। पढ़ो, प्रोविजन सेज दैट नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेज इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज थ्रू एनी सब्सिडियरी कंपनी इंक्लूडिंग ओन सब्सिडियरी और थ्रू इन्वेस्टमेंट कंपनी और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज और If a default is made by the company in repayment of deposits or interest payment thereon, deposits हम लोग का next है section 73, public deposits. Deposit अगर default किया है repay करने में या deposit में interest देने में default किया है तो defaulter company को क्या हक होगा, buyback करे पैसा देके, redemption of debentures और preference shares नहीं किया, dividend नहीं pay किया तो उसको क्या हक है buyback करे, तो ये भी और एक है ना, default नहीं करना पड़ेगा condition. देखो shareholder or repayment of any term loan or interest payable thereon to financial institutions, bank ko loan nahi diya, bank se paisa liya, theek hai na, but where, padho, but where the default is remedied and a period of 3 years has lapsed, tum default ko theek kar diya aur 3 saal uske baad ho gaya, after such default ceases to subsist, buyback shall not be prohibited, to buyback teen tarah se prohibit kiya,
नंबर वन थ्रू सब्सिडियरी, थ्रू इन्वेस्टमेंट कंपनीज और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज, और इफ डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ डेट. क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया? ओके ये पढ़ो क्या बोल रहे हैं सबसेक्शन 2 ऑफ 70. नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेज इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफिक सिक्योरिटीज इन केस सच कंपनी हैज नॉट कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ एनुअल रिटर्न. ये रिपोर्ट नहीं, गलत है. रिटर्न और सेक्शन डिविडेंड नहीं दिया, या फिर सेक्शन 127 एंड 129, या फिर एनुअल अकाउंट्स नहीं बनाया. ये दो पॉइंट जो 92 एंड 129 है ना, 129 नहीं वो 134 था. ये जो एनुअल रिटर्न वाला पॉइंट है ये सेक्शन 43 में भी बोला था, याद है? 3 years नॉन कंप्लायंस. वही तो दिस आर द प्रोहिबिशंस ऑफ बायबैक. ऑल्ट्रेशन हम लोग कर लिए थे. मैं 71 लास्ट करा के आज छोड़ दूंगा. 71 में तीन ही स्लाइड है, ये 71 इज द लास्ट. थोड़ा सा स्ट्रेच करो, डोंट माइंड. टुडेज लास्ट सेक्शन इज सेक्शन 71, डोंट वरी. सेक्शन 71, अच्छा अब से 8 तो हो गई, ऐसे 5:30 में शुरू करेंगे और संडे का एक देख लेते हैं. मैं बोल रहा हूँ एक बार पूछ के, संडे इट कुड बी, दिस संडे इट कुड बी 10 to 11:30 इज ओके. ठीक है, अल्लाह को. जस्ट वन थिंग, 10 मीन्स 10, आई टेल देम ऑल्सो. सॉरी, हाँ, सेक्शंस लेफ्ट एक बार मैं बोल दे रहा हूँ क्या क्या. तो ये संडे वो कवर हो जाएगा, तो इसमें वो आ जाएगा स्मूथ. ठीक है, सेक्शन लेफ्ट 65, 66, 67, यस और नो? छोटा है, हो जाएगा. फिर 72 से 76, क्लियर है? दीज आर द सेक्शंस विच आर लेफ्ट. ये तो चैप्टर 5 ही है, ये तो अलग चैप्टर है ना, चैप्टर 5 डिपॉजिट्स. चैप्टर 4 में ये, दिस इज द एजेंडा फॉर द नेक्स्ट क्लास. वी विल डू इट इन अ एक्स्ट्रा क्लास बिकॉज ऑफ दैट मिस. क्लियर है? सेक्शन 71 जो है क्या है अभी मैं बताऊंगा और क्लास खत्म करूंगा. ये एक अकाउंट्स में चैप्टर है ना, देखो तो जल्दी से बताओ, जल्दी से डिस्कस करो. ये अकाउंट्स में एक टॉपिक है या नहीं है? बिल्कुल है सर, बच्चों वाला टॉपिक है, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर. क्या क्या बात करता है? पहले टाइप्स ऑफ डिबेंचर लेके अगर बात करूं तो थ्योरी में तुम लोग अकाउंट्स में भी पढ़ते हो, टाइप्स ऑफ डिबेंचर बेस्ड ऑन सिक्योरिटी होता है, सिक्योर्ड डिबेंचर, नेकेड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड. ठीक है, रिडीमेबल डिबेंचर, इरिडीमेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, यही तो पढ़े. तो यही लिखा हुआ है, पढ़ो. ऑन बेस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, ऑन बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन बेसिस ऑफ रिडीमेबिलिटी. क्लियर है? ओके सर, ये जो डिबेंचर है इसका कंडीशंस क्या है? यही मैं बोला. देखो, अगर तुम ऑप्शन टू कन्वर्ट दे रहे हो, मतलब डिबेंचर जब रिडीम होगा तब अगर डिबेंचर होल्डर चाहे तो इसको कन्वर्ट करा सकता है इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल. सो दस सॉरी दिस टाइप ऑफ डिबेंचर्स आर नोन एज कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. अच्छा बोलो, क्या कोई कंपनी का डिबेंचर होल्डर वोट कर पाता है? क्या लिखा है नंबर 2? नो कंपनी शैल इशू एनी डिबेंचर कैरिंग वोटिंग राइट्स. क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट्स में अकाउंट्स टीचर बोलता है कि ये कंपलसरी है या नहीं है? एकदम है. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अगर है तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी रहना चाहिए. इक्वालिटी ऑफ राइट्स के लिए बनाया गया, ये पहले नहीं था, ये पहले नहीं था. Where debentures are issued by a company under this section, the company shall create a debenture redemption reserve account. ठीक है, अच्छा, लिमिटेशन ऑन द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑफर इनविटेशन टू पब्लिक, ये क्या है? सुनो, 500 के ऊपर अगर डिबेंचर होल्डर्स होगा, सॉरी मैं गलत बोला, इनविटेशन टू पब्लिक यानी कि तुम 500 के ऊपर लोगों को अगर डिबेंचर सब्सक्राइब करने के लिए दे रहे हो तो फिर डिबेंचर ट्रस्टी तुमको रखना पड़ेगा. क्या रखना पड़ेगा? डिबेंचर ट्रस्टी. एंड तब डिबेंचर ट्रस्टी का रोल समझ में आएगा. डिबेंचर ट्रस्टी का रोल यही होता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स. अगर बहुत ज्यादा लोग है, डिबेंचर होल्डर्स है 500 के ऊपर है, तो फिर तुम्हारा उतना लोगों का इंटरेस्ट मैटर करेगा ना, पब्लिक कंपनी.
तो उनका इंटरेस्ट मैटर, जैसे कि शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट लुक आफ्टर करने के लिए ऑडिट कमिटी है वगैरह है, है ना, तो वैसे ही डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट लुक अप करने के लिए डिबेंचर ट्रस्ट भी मस्ट बी देयर, ठीक है। फिर फाइलिंग ऑफ पिटीशन बिफोर ट्राइब्यूनल बाय डिबेंचर ट्रस्टी, वो तो बेसिक सा चीज़ है कि अगर डिबेंचर ट्रस्टी को कोई खतरा लगे, कंपनी का कोई एसेट बिक जा रहा है या कंपनी बहुत डिफॉल्ट कर रहा है डिबेंचर होल्डर का पैसा देने में, तो दे कैन फाइल पिटीशन टू द एनसीएलटी। क्लियर है? सेक्शन जो जो बाकी है मैं लिख दिया ऑलरेडी, वी आर डिसमिसिंग टुडेज क्लास, वी आर मीटिंग ऑन नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास कुड बी संडे और मंडे, लेट्स सी, मंडे तो हो गई। And encouragement are those vital nutrients. They're like the water, that nutrition that nourishes the plant of success. सही जगह पे हो, सही country में, आपने सही profession चुना है. Be phases in your life when you will feel low, but then never give up and stay strong. This no shortcut to success. Seriously, there is no shortcut. Ekdam chill maar ke padho, normal. Seriously. मेरा एक ही मंत्र था, जो सबकी कमजोरी है उसको अपनी ताकत बना लो। आप कितने घंटे पढ़े is not the main thing. It's about आपने उस घंटे में कितना अचीव किया। Any decision that you make in your life, trust yourself that yes, you have evaluated all your pros and cons. You have made a choice based on the best you think of it. Just trust yourself that yes, if you have chosen it, stay true to it, give all of yourself to it, and that's how you can succeed in anything you want, not just CA, but that's how you should live your life. Main mere gaon se pehla hoon jisne CA mein enter kiya aur CA complete kiya. CA is not easier than 10th or 12th class. Educational Institute की much awaited felicitation ceremony for the top rank holders of the country बस खत्म हो चुकी है और अब हम एक एक करके हमारे स्टूडेंट से बात कर रहे हैं किस तरह उन्होंने इंस्पिरेशन ली है हमारे टॉप रैंक होल्डर्स से। बहुत ही प्रोडक्टिव था, कंस्ट्रक्टिव था, एंड आफ्टर स्पीकिंग टू द रैंक होल्डर्स वी हैव लर्नड न्यू स्ट्रेटजीज टू प्रिपेयर फॉर आवर इंटर एंड फॉर आवर CA course. एक चीज ये सीखी कि कभी मार्क्स के पीछे मत भागो, यही एम है कि अच्छे से पास होना, जितना अच्छा हो सके आगे सब अपने आप। Suggestion method is like one of the best methods. It's a really frag method, and the way he teaches is a very informal one. So students kindly like you get to know the concept really well. And all the rank holders said that the notes are really well, and just study the notes and you'll clear the exams really well. That's it. Today I learned that आप जो डिजर्व करते हो उसके लिए प्रिपेयर करो, मार्क्स के बारे में मत सोचो, मार्क्स पे झप मार के आएंगे। इनसे मिलके पता चला कि मतलब पढ़ाई कैसे आगे करना है, मोटिवेशन भी मिला कि वो टेलर के बेटे होकर कि जब रैंक वन ला सकते हैं तो हम भी ला सकते हैं। मतलब